दोस्तों मेरा एक कॉमेडी चैनल भी है एमिका कॉमेडी तड़का के नाम से। लिंक आपको उस चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप उस चैनल को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मैं एवरी वीक फनी फनी वीडियोस में लाती रहती हूँ। चलिए बिना देरी के बढ़ते सवालों की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है अनुपमा का। हाय अनुपमा, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ ड्रेन करना हो तो कैसे करेंगे भीगे हुए कपड़ों को। तो सिर्फ ड्रेन करना हो तो मैंने उस पर वीडियो बनाया अनुपमा जी, आप चेक कर सकते हो मेरे वीडियोस में जाके। उसमें बहुत ही इजी स्टेप्स मैंने बताया आपको और बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़े सिर्फ सूख जाते हैं उसमें। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि स्पिन कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कनिका गिरी सावित्री। हाय डियर, वो बोल रहे हैं कि स्पिन नहीं हो रहा है मैडम, रॉड नया लेना पड़ेगा क्या। तो गाला का जो स्पिन मॉप मैंने रिव्यू किया था उसको भी काफी लोगों ने पसंद किया, थैंक यू सो मच उसके लिए। उन्होंने उस पर पूछा है कि वो जो हम मॉप जो होता है मारने वाला, उसका जो रॉड होता है उसे स्पिन करने की कोशिश करे, नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली ना वो रॉड अगर थोड़ा सा भी नीचे से ना थोड़ा सा भी बेंट रहेगा, या फिर जैसे हम वाइप करते हैं वो थोड़ा सा भी अगर बेंट रहेगा, रॉड स्ट्रेट नहीं रहेगा ना, तो फिर वो स्पिन नहीं होगा डियर। तो आप चेक करिए, आप जब भी स्पिन करते हैं तो जो रॉड होता है ना उससे अटैच, वो स्ट्रेट होना चाहिए, तब जाके वो स्पिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है शाहीन अहमद। हाय डियर, वो बोल रहे हैं कि किचन को मॉड्यूलर करने में कितना कॉस्ट हुआ था आपका, प्लीज रिप्लाई एंड नाइस होम, थैंक यू सो मच डियर उसके लिए। और बहुत लोगों ने पसंद किया होम टूर जो मैंने कराया था अपना। तो मॉड्यूलर किचन का मैं बताऊं तो मैंने बहुत सारे उसमें कैबिनेट्स लगाए हुए हैं, मुझे पड़ा था अराउंड 1,10,000 रुपीज का। और मटेरियल जैसे ही मैं सभी को बताती हूँ जो मुझे पूछता है, दैट इज मरीन प्लाईवुड। ठीक है, वो मटेरियल मैंने यूज किया था। नेक्स्ट है आदित्य कुमार। हाय आदित्य जी, वो बोल रहे हैं कि एनी इश्यूज कमिंग आउट टिल नाउ और इट्स वर्किंग स्मूथली लाइक फर्स्ट डे। फिलिप्स का जो इंडक्शन था उसका मैंने रिव्यू किया था, उस पर उन्होंने पूछा है कि अभी तक स्मूथ चल रहा है क्या पहले जैसा, या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अभी तक मेरे इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, इंडक्शन में स्मूथ चल रहा है, अच्छा चल रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट है वसुंधरा मिश्रा। हाय वसुंधरा जी, वो बोल रहे हैं कि आई वांट टू नो वन थिंग, अगर प्रोसेस के कंप्लीट होने से पहले बीच में लाइट चली जाए तो हम कपड़े बीच में निकाल सकते हैं क्या। तो सैमसंग का जो टॉप लोड मशीन था मैंने उसका रिव्यू किया था, उसमें बताया था कि कैसे कपड़े धोते, सब कुछ मैंने उसमें ऑलमोस्ट बता दिया है आपको। तो उसमें वो पूछ रहे हैं कि अगर लाइट चली जाती है तो बीच में हम कपड़ों को बीच में हम जो मशीन को खोल सकते हैं क्या। मैं एक बात बता दूं आपको कि सैमसंग की या फिर कोई भी टॉप लोड मशीन अगर आप लेते हो, फायदा उसमें यही है कि आप बीच में कहीं कभी भी पॉज करके उसको, या फिर लाइट भी चली जाती है तो आप उसको ढक्कन को आराम से खोल सकते हैं। वो चीज़ आपको फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में नहीं मिलता है। टॉप लोड मशीन का जो ढक्कन है आप आराम से कभी भी खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है गियर शिफ्टर। हाय, वो बोल रहे हैं कि कैन वी एड आइस क्यूब्स इन दिस वाइल मेकिंग आइस्ड कॉफी। नेस्कैफे का ई स्मार्ट कॉफी मेकर का मैंने रिव्यू किया था, उसमें कॉफी कैसे बनाते हैं वो भी बताया था। अगर आप कोल्ड कॉफी बनाना चाहते हैं तो आप उसमें आइस भी डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेक ट्यूब। हाय, वो बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू आस्क कैन वी यूज द सेम वॉटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स टू टाइम्स लाइक वन डिटर्जेंट वॉटर एंड आई कैन वॉश क्लोथ्स लाइक टाइम्स टू टाइम्स। सेम पानी सेम डिटर्जेंट में उन्हें दो बार क्लोथ्स को धोना है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट करती है। हम इसे जैसे हम मैनुअली करते हैं सेमी ऑटोमेटिक में, जैसे सेम पानी में भी आप उसमें दो बार कपड़ों को वॉश कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक में वैसा नहीं होता, वो पानी चेंज कर लेता है, ऑटोमेटिक ड्रेन करके नया पानी ले लेता है। तो आप सेम पानी में दो बार कपड़े नहीं धो सकते। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा सफाई चाहिए इसलिए आप दो बार धोना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं सोप प्लस नॉर्मल ऑप्शन, उसमें वो ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं अगर आपके ज्यादा गंदे कपड़े हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट है नंदिता। हाय नंदिता, वो बोल रहे हैं कि डिशवॉशर को किचन के स्लैब के ऊपर रख सकते हैं क्या। रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किचन के स्लैब के ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाग्यश्री। हाय भाग्यश्री, वो बोल रहे हैं कि भाजी का डाग हो तो सेम प्रोसीजर करना है क्या। तो मैंने जो ऑयल स्टेन का बताया था आपको इजीली कैसे कपड़ों से निकालते हैं, तो उसमें उन्होंने पूछा है कि भाजी का डाग भी आप आराम से निकाल सकते हो सेम प्रोसीजर के साथ। नेक्स्ट है मोहन कुमार जी। हाय मोहन कुमार जी, वो बोल रहे हैं कि वाटर प्रेशर बहुत चाहिए क्या, वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हो, वाटर प्रेशर चाहिए क्या उसमें। तो देखिए, वाटर प्रेशर जो है आपका अगर अच्छा होगा, फुल स्पीड में होगा तो जल्दी पानी भर जाएगा। अगर वही वाटर जो है लो स्पीड में रहेगा और प्रेशर उसका कम रहेगा तो वो धीरे धीरे पानी को भरेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है, पानी वो लेगा लेकिन धीरे धीरे लेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही सवाल दोस्तों। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए, क्योंकि मैं एवरी वीक आपके सवालों का जवाब लेके आती रहती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि सारी नोटिफिकेशंस वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन जब दबाते हो तो ऑल को सिलेक्ट कीजिए,
वहां पे आप सिलेक्ट करने के बाद आपको हर नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहेगी। मैं डेली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करता कि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।